स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफेशनसी। आज की क्लास में कवर करेंगे डिफरेंस क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिसरी नोट में। हमने दोनों ही कंसेप्ट कवर कर लिए लास्ट क्लासेस के अंदर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफेशनसी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आके पा जाए और वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पार्टीज की अगर बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, एक्सेप्टर और पेई। ड्रॉवर जो बिल लिखता है, एक्सेप्टर जो बिल को एक्सेप्ट करता है, पेई जो पैसा रिसीव करता है। प्रोमिसरी नोट के अंदर सिर्फ दो ही पार्टीज आती हैं, मेकर जो बिल को लिखता है, हु ड्रॉ द नोट एंड साइन इट जो बिल को लिखता है उसके ऊपर साइन करते हैं, और पेई जो अमाउंट को रिसीव करता है। ड्रॉवर यहाँ पे ड्रॉन जो क्रेडिटर होते हैं, यहाँ पे ड्रॉन जो होते हैं वो डेटर्स होते हैं। ऑर्डर एंड प्रोमिस, जब बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है तो इसमें ऑर्डर दिया जाता है कि पेमेंट कर, जबकि प्रोमिसरी नोट के अंदर सिर्फ प्रोमिस किया गया कि मैं पेमेंट कर दूंगा। एक्सेप्टेंस, यहाँ पे जब बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है तो एक्सेप्टेंस ज़रूरी होती है ड्रॉई की, जबकि यहाँ पे लिखने वाला तो खुद ही है, वो जो प्रॉमिस कर रहा है बायर वो खुद ही है, तो एक्सेप्टेंस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लाइबिलिटी जो होती है यहाँ पे, लाइबिलिटी ड्रॉवर की वो सेकेंडरी होती है, वो तभी लाइबल होता है जब एक्सेप्टर है जो पे नहीं करता, जबकि यहाँ पे लाइबिलिटी ड्रॉवर की प्राइमरी होती है क्योंकि वो मेकर होता है, वो बना रहा है उसने प्रोमिसरी नोट को। पेई कौन हो सकता है, यानी कि पेई वो पर्सन होता है जो पैसा रिसीव करेगा। यहाँ पे ड्रॉवर जो होता है वो पेई होता है, जबकि यहाँ पे जो मेकर होता है वो पेई नहीं होता। नोटिंग, यहाँ पे बेटर है कि नोट किया जाए अगर डिसऑनर का केस है, लेकिन यहाँ पे नोटिंग नेसेसरी नहीं होती प्रोमिसरी नोट के अंदर। कॉपीज, जब लोकल बिल हो तो सिर्फ एक कॉपी प्रिपेयर की जाती है, जब फॉरेन बिल हो तीन कॉपी प्रिपेयर की जाती है। यहाँ पे कोई मर्जी केस हो चाहे लोकल हो चाहे फॉरेन, सिर्फ एक ही कॉपी तैयार की जाती है। स्टैंप, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती स्टैंप फिक्स की जाए बिल पेबल के ऊपर, जब ऑन डिमांड पे किया जाता है, अदरवाइज स्टैंप पर तो ज़रूरत पड़ती है लगाने की, लेकिन यहाँ पे स्टैंप है फिक्स की जाती है चाहे कोई मर्जी केस हो, चाहे ऑन डिमांड पेमेंट करनी हो या अदरवाइज ऐसे पेमेंट करनी हो। इस तरीके से डिफरेंस था बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफेशनसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।